चैनल आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन मॉम, ब्रेकफास्ट, लंच प्रिपरेशन एंड जनरल मॉर्निंग एक्टिविटीज जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मॉर्निंग में मैं ट्राई करती हूँ कि कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर लूँ काफ़ी बार मैं जिम चले जाती हूँ वॉकिंग के लिए साइकिलिंग के लिए या फिर कभी कभी मैं घर पे भी योगा कर लेती हूँ एंड फ्रेंड्स अगर आप कोई बहुत अच्छी योगा लेगिंग्स या फिर वर्कआउट लेगिंग्स ढूंढ रहे हैं ना तो रिसेंटली मैंने परचेज की थी लूलू लेमन की लेगिंग्स इस ब्रांड के बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत ही लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है फॉर लेगिंग्स पर जब मैंने इनको ट्राई किया ना इनका जो कपड़ा है बिल्कुल बटर सॉफ्ट इतना स्ट्रेचबल हाईली रिकमेंडेड जो लेगिंग्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एंड वंस मेरा थोड़ा योगा हो जाता है तो मैं ले रही हूं आजकल कोकोनट वाटर एंड फ्रेंड्स अगर मैं इंडिया में होती ना तो मैं ज़रूर फ्रेश कोकोनट वाटर पीती विदाउट एनी डाउट पर यहाँ पर मिलता नहीं है फ्रेश कोकोनट वाटर बहुत ही कम मिलता है बहुत ही महंगा मिलता है तो जो बेस्ट मुझे लगता है वो ये वाला ब्रांड है इसका इसमें सिर्फ एक ही इन्ग्रीडियंट है कोकोनट वाटर पर इनका जो कोकोनट वाटर होता है वो पिंक होता है क्योंकि वो कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो के कोकोनट वाटर पिंक हो जाता है आई डोंट नो अबाउट इट अगर आपको पता हो तो बताना एंड आप लोग बहुत पूछते हो ना कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे है इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे है तो मैं ट्राई करती हूँ हर चीज़ में कोकोनट ऐड करना कोकोनट वाटर आपने देखा अगर आप मेरी रेसिपीज़ भी फॉलो करते हैं तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कोकोनट आ, मिल्क कोकोनट क्रीम कुछ भी हर जगह से कोकोनट ऐड करने की वो बहुत एक डिफरेंस बनाता है आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ साबुदाना खिचड़ी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है एंड अगर आप इसकी प्री प्रेप करके रखोगे पहले से ही तो ये बहुत ही जल्दी सुबह सुबह बन जाती है तो मैंने साबुदाने को रात को भिगो दिया था इसकी भिगोने की भी एक टेक्निक है कि इसको अच्छे से साफ़ करना है जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा और जब पानी में आप इसे सोक करें तो पानी एक से डेढ़ इंच साबुदाने के ऊपर होना चाहिए अगर पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे सोक करने के टाइम पे तो वो चिपक जाएगा साबुदाना खिचड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि साबु चिपक जाता है तो अगर अच्छे से धोगे और वाटर की क्वांटिटी सही रखोगे भिगोते वक्त तो वो इशू नहीं आएगा तो अब शुरू करते खिचड़ी बनाना मैं बना रही हूँ इसको देसी घी में उसमें सबसे ज़्यादा इसका फ्लेवर अरोमा आता है तो सबसे पहले मैंने थोड़े नट्स ऐड कर लिए मैंने ड किया यहाँ पे ग्राउंड नट थोड़ा सा कैशू फिर मैंने डाला है थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर एंड एक बार अच्छे से जिंजर सौते करने के बाद मैंने ऐड किया है इसमें किशमिश वो भी बहुत ही खट्टा मीठा अच्छा फ्लेवर देती है हमारी खिचड़ी को फिर मैंने ऐड किया है इसमें टमाटर एंड मसालों में सिर्फ हल्दी और नमक टमाटर को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है बहुत ज्यादा इसको गलाने की जरूरत नहीं है लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है बॉइल्ड आलू सो फ्रेंड्स so अगर आप बॉइल्ड आलू पहले से ही करके रखें एंड साबुदाने को भी पहले से ही प्रीप्रेप करके रखें तो सुबह आप देख सकते हैं इसमें मिनिमल टाइम लगेगा और बस लास्ट में मैंने साबूदाना इसमें ऐड कर दिया है एंड सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टेज पे आपको इसको तब तक पकाना है जब तक साबुदाना हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि साबुदाना डन हो गया है अब इसमें अगे ये ऑप्शनल है पर आप सिर्फ़ ऊपर से लेमन जूस भी डाल सकते हैं बट मैं क्या करती हूँ लेमन जूस में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर मिला देती हूँ एंड फ्रेंड्स हाँ सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट तभी मेरा सॉल्ट जो है वो वाइट नहीं पिंक दिखता है पर ये सॉल्ट ही है मैंने ऐसे सुना है कि जो हिमालयन सॉल्ट होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो डेंस हो, होता है कंपेयर टू जो आप सी सॉल्ट यूज़ करते हो और आजकल सी में इतना प्लास्टिक है कि वो जो वाइट है वो सॉल्ट है या प्लास्टिक है कहना मुश्किल है तो बेस्ट बेट हिमालयन uh, सॉल्ट है अगर आपको इजीली वो अवेलेबल है तो नील का मैंने साबुदाना खिचड़ी अलग से निकाल लिया है क्योंकि वो uh, ग्रीन चिली और कोरिएंडर नहीं खाता है बस वो ऊपर से मैंने मिला दिया है अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली खाते हो तो वो तड़के में भी आप डाल सकते हैं एंड यहाँ पे कोशिश है उसको खिलाने की एंड फ्रेंड्स बहुत सारी मॉम मुझसे पूछते हैं कि कैसे नील इतना अच्छे से इंडिपेंडेंटली खा लेता है तो जो उसको पसंद है चीज़ें वो तो वो खा लेता है पर जो उसको पसंद नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा बहका बहका के उसको खिलाना पड़ता है जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हो एंड बस चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर तो मैंने लिया है जिंजर बहुत सारी तुलसी और सौंफ कूट के डाल दिया है एंड बस जो चाय का नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही और दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है नेहा मैं एक वर्किंग मॉम हूँ मेरा बेटा है फोर इयर्स का एंड हम लोग यूएस में रहते हैं और मैं मदरहुड रिलेटेड लाइफ स्टाइल वीडियो कुकिंग वीडियो बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो अगर आपको इन टॉपिक्स पर कोई इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपके कोई भी कॉमेंट्स हों कोई भी सजेशनस हों तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना सो so, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जल्दी जल्दी क्विक किचन थोड़ी सी क्लीन कर दी है मोस्टली डिश वॉशर एम कर दिया है ताकि जो सुबह के बर्तन हैं वो डिश वॉशर में चले जाएंगे और हल्का सा स्लैब गैस वगैरह क्लीन कर दिया है मैंने ताकि लंच के लिए थोड़ा सा हमारा किचन ऑलरेडी सेट मिले एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर आप दोनों वर्किंग हो तो नील को कौन संभालता है तो ये ईयर टू ईयर डिफरेंट रहा है पर इस साल के लिए जब मेरे कॉलेज वापस शुरू होंगे सितंबर से और नील का स्कूल भी शुरू होगा तो नील के स्कूल के बाद वो घर आ जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अगर किसी दिन उन्हें जाना पड़ेगा तो नील के स्कूल में आफ्टर केयर प्रोग्राम भी होता है फ़ाइव ओ क्लाक तक तो वो वहाँ पे रह सकता है बट मोस्ट लाइकली इस साल मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करेंगे और मैं भी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि डेल्टा वेरिएंट इतना फैल रहा है कि मुझे भी इस साल रिमोट क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ही मिल जाए बट आई हैव टू सी के वो होता है कि नहीं आप तो यहाँ पे मैंने लंच की प्रिपरेशन कर लिया है मैंने मिक्स्ड दाल बहुत सारी अलग अलग दालें चना मूंग मसूर तुअर सबको मिला के भिगो के रख दिया है ताकि आगे प्रिपरेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए एंड मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ एंड फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने डायसन का एयर एप लिया है मैंने इसका कर्लिंग वाला आपको दिखाया था तो मैंने और भी अटैचमेंट्स ट्राई किए हैं तो ये है इसकी स्ट्रेटनर ब्रश एंड ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत इजी है यूज़ करने में जल्दी जल्दी से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं अगर टाइम की कमी है तो एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की ये जो टूल है ना ये बालों में बहुत ज़्यादा शाइन ऐड कर देता है और बाल बहुत गर्म नहीं होते जैसे ट्रेडिशनल आ, स्ट्रेटनर से बहुत एकदम गर्म हो जाते हैं तो आई एम लाइकिंग ओवरऑल प्रोडक्ट यहाँ पे दाल का तड़का बना लेते हैं हम तो अगेन मैंने घी लिया है दाल का तड़का घी में सबसे अच्छा लगता है थोड़ा हट के तड़का बना रही हूँ मैंने ऐड किया है सरसों थोड़ी सी मेथी मेथी दाने और कलौजी अब जीरे के बजाय ये वाला तड़का ट्राई करके देखना थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा दाल का टेस्ट एंड बस मैंने डाला है जिंजर थोड़ा सौते करने के बाद एंड डाला है अनियंस और मसाले बिल्कुल ही सिंपल रखे हैं सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर डाला है आप ज़रूर दाल का ये वाला तड़का ट्राई करना क्योंकि दाल मोस्टली हम लोग रोज़ खाते हैं तो अगर तड़का थोड़ा थोड़ा सा बदला जाए तो वो दाल का टेस्ट हमेशा एक नया सा लगता है तो बॉयल्ड दाल में मैंने ऊपर से तड़का ऐड कर लिया है एंड एक टेबल स्पून घी डाल दिया है एंड बस हमारी दाल बन के रेडी रह है तो आफ्टरनून थाली में है चावल दही दाल साथ में जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में ग्रीन चिली का अचार दिखाया था बनाना मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आप ट्राई कर सकते हैं वो है और बस हमारी थाली रेडी है एंड फ्रेंड्स लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले आपको दिखाती हूँ हमारी थोड़ी थोड़ी प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है तो हमारे कुकुम्बर के प्लांट्स पे मिनी मिनी कुकुम्बर आ गए हैं एंड टमो टमाटर के प्लांट्स पे भी छोटे छोटे से टोमेटोस आ गए हैं सो फ्रेंड्स इसके साथ करती हूँ वीडियो को एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी हो मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय